गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, हनी बनी तो स्कूल कब का जा चुके हैं, उसके बाद मेरा योगा वगैरह भी हो गया है। एंड उसके बाद योगा के बाद ये मेरा रूटीन रहता है कि चिड़ियों को खाना एंड पानी रखना। स्पेशली समर सीजन में तो डेफिनेटली मैं रखती हूँ, तो पानी मैं इसमें रख देती हूँ, खाना मैं इसमें रख देती हूँ, डेली फिर उसको वॉश करके रिफ़िल कर देती हूँ। तो नॉर्मली मैं बर्ड फूड ला के रखती हूँ, तो वो मैं देती हूँ, तो वो बर्ड फूड जो है वो ख़त्म हो गया है। तो एक ब्रेड रखा था, तो मैं आज ब्रेड दे देती हूँ तोड़ के। फिर मैं आज सुपर मार्केट जाऊँगी ना, तो मैं वो बर्ड फूड जो है वो ले आऊँगी। तो बस यही है। इसके चक्कर में बालकनी में बहुत सारे, मतलब खाना पानी में रखती हूँ ना, तो बहुत सारे चिड़ियाँ आते रहते हैं दिन भर में, और सिम्बा बेबो का एंटरटेनमेंट भी होता रहता है इस चक्कर में। चल सिम्बा चल, बालकनी खोलते के साथ ही बाहर आ गया। चलो चलो, तुम्हारे फ्रेंड्स आएंगे अभी थोड़ी देर में। चलो 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 चलो, और एक को देखो कैसे छोटी सी चूहे जैसी दिख रही है, मुंह कैसा इतना सा है। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ, डे टू डे कुछ काम है मुझे। एक्चुअली नेक्स्ट वीक देविका का बर्थडे है, तो वो हमारे घर पे मैं सेलिब्रेट करूँगी। तो उसके लिए कुछ बलून्स वगैरह लेना है, डिस्पोजेबल्स वगैरह लेने हैं, एंड ऐसे ही घर के छोटे मोटे तवा वगैरह मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो वो लेके आऊँगी। नॉर्मली मैं फ्राइडे को जाती हूँ, आप लोगों को पता है, बट फ्राइडे जैसे योगा क्लास रहता है, उसके बाद नहा के पूजा वूजा करने के बाद इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो कल नहीं हो पाएगा। वीकेंड को फैमिली टाइम होता है, तो वीकेंड को मैं कुछ काम अपना, मतलब ये सब काम मैं वीकडेज पे ही निपटा देती हूँ, तो ताकि वीकेंड को थोड़ा सा फैमिली टाइम मिल सके, या हम लोग कहीं साथ में ऐसे ही कहीं जा सके, मूवी वगैरह इस टाइप का कुछ जा सके। एंड नेक्स्ट वीक सावित्री व्रत भी है, तो इसलिए, और वीकडेज को मुझे उसका थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना है, तो इसलिए सोचा कि आज मैं फ्री हूँ, तो आज जाके डे टू डे से जो भी काम वगैरह निपटाना है, जो भी लेना है, वो सब लेके फिर मैं हनी बनी को पिक करके डायरेक्ट में आ जाऊंगी। फिर चलिए चलते हैं। एंड यहाँ
पे मैं स्कूल से आके हनी बन को खिला के ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ एंड मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे बस सिंपल सी भाजी बनाऊंगी। ऑयल में मैंने सूखी मिर्च, जीरा एंड खूब सारा लहसुन का तड़का लगा दिया है। उसमें बस मैं टमाटर ऐड करूंगी, बेसिक पाउडर मसाले ऐड करूंगी एंड भिंडी लेके आई थी आज मैं जल्दी जल्दी में ना, भिंडी मैं खुद छांट के लेके नहीं आई थी। वो पैकेट में बना रखा हुआ मिलता है ना, पूरा अच्छे से सजा के सुंदर दिख रहा था, तो वो मैं लेके आ गई। बट उसमें से बहुत सारे ख़राब निकले, मतलब हम लोग बोलते हैं बूढ़ा भिंडी, मतलब बहुत जो टाइट वाले होते हैं, तो वो खाने में भी अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब अजीब सा लगता है। तो बहुत सारा मुझे फेंकना पड़ा, इसलिए उसमें मैंने थोड़ा सा आलू ऐड कर दिया, वरना मेरा मन था कि खाली भिंडी उसमें खूब सारा प्याज डाल के बनाने का। तो उसमें थोड़ा सा बस आलू ऐड कर करके कम ना पड़ जाए, बस बेसिक पाउडर मसाले नमक ऐड कर दिया। एंड भिंडी को वैसे तो ढकना नहीं चाहिए, मैं ढकती भी नहीं हूँ, बट आलू ऐड किया था तो हल्का सा ढक के बस इसको कुक कर लेंगे। तो यही सिंपल सी भाजी, उसमें बस लास्ट में ऊपर से धनिया पत्ता एंड भुना हुआ जीरा एंड लाल मिर्च का पाउडर जो है वो ऐड कर दूंगी। साथ में बस रोटी, यह जो है हमारा आज का डिनर, जल्दी जल्दी बना लिया था क्योंकि शाम को हमें जाना था। एक्चुअली जीत को जाना था बट जीत मुझे लेके गए क्योंकि देरा जा रहे थे एंड देरा में पार्किंग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल, तो हमने मंदिर के लिए जो कुछ बनाया था ना तो वही पिक करना था हमें, तो इसलिए मुझे वो लेके गए थे। कहीं पार्किंग ना मिले तो मैं ड्राइवर सीट में बैठ जाऊँगी, गाड़ी आगे पीछे करती रहूँगी, तब तक वो शॉप से जाके ले आएंगे। तो वही हुआ, पार्किंग नहीं मिला तो फिर वो जीत गए लेने के लिए एंड मैं ड्राइवर सीट में बैठ गई थी। एंड देरा में सच में, मतलब चाहे वीकेंड में आओ चाहे वीकडेज में आओ, बहुत ज़्यादा रश लगा रहता है क्योंकि ये सारे यहाँ पे होलसेल मार्केट से कर्टन्स के, चाहे कार एसेसरीज के, लाइट्स के, बहुत सारे मतलब कारपेट्स के, सारे होलसेल मार्केट्स हैं, तो थोड़े प्राइस जो है यहाँ पे कम रहते हैं एंड बहुत पुराना मार्केट भी है दुबई का। एंड ये हो गया है नेक्स्ट डे। तो सुबह हनी बनी स्कूल चले गए थे, यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने फोल्ड कर लिए थे एंड जो हमने मंदिर के लिए बनाया था वहाँ पर जीत यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। एंड मैं जो फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह हम लोग लेके आए थे ना, उसका प्रिंट आउट निकाला था लास्ट वीकेंड, तो मैं उसमें फ़ोटोज़ वगैरह डाल रही हूँ। तो दोनों मिलके साथ साथ सुबह ये सब थोड़ा बहुत काम जो है वो निपटा रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से ये पेंडिंग था कि हाँ फ़ोटो वॉल बनाना है मंदिर के लिए, वो बनाना है। तो धीरे 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 सुबह सुबह का, अभी जब तक जीत ऑफिस नहीं जाते तब तक ये सब काम जो है हम लोग साथ में निपटा लेंगे। तो यही वाले फ़ोटो फ्रेम हम लोग लेके आए थे एंड यहाँ पे जीत जो है वो मंदिर में एक ब्लाइंड जो है वो सेट कर रहे हैं। सो गाइस, हमने मंदिर में दरवाज़ा नहीं बनाया था क्योंकि मुझे ऐसे पिलर्स ही चाहिए थे, मुझे दरवाज़ा ऐसे मतलब बंद बंद सा लगता है, तो ओपन रहे ना तो घर पे कोई ऐसे एंटर करते टाइम ऐसे दिखते हैं या कहीं पे घर पे बैठो अचानक से नज़र आती है ना तो अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैंने दरवाज़ा नहीं बनाया था, पिलर्स ही रखे थे। बट अभी जैसे रात को हम लोग सोने जाते हैं तो लाइट ऑफ करते हैं मंदिर का, तो उस टाइम के लिए एक ब्लाइंड बनाने का मैंने सोचा था, तो वही हम लोग ब्लाइंड बना के लेके आए हैं। जैसे हनी बनी के रूम में हमने ब्लाइंड खरीद के प्रिंट कराया था ना, वैसे ही मंदिर का भी हमने वही देरा से ही ब्लाइंड लेके वहीं पे वही उसी शॉप पे ही वो लोग प्रिंट करके देते हैं। मतलब जहाँ पे भी आप ब्लाइंड बनाओ, जो ऑफिस ब्लाइंड्स या कर्टन्स की शॉप पे ना, हर जगह पे ब्लाइंड्स बन जाते हैं और वहाँ पे आप चाहो जो भी आप प्रिंट करा सकते हो। तो हमें छोटा सा ही ब्लाइंड चाहिए था बट वो इतना छोटा वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उसका डबल उन्होंने चार्ज लिया है ना, डबल का चार्ज लिया। बट ब्लाइंड अभी बन के आ गया है एंड अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या ब्लाइंड बना है। जय श्री राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय राजा। सो रात को हम लोग ये ब्लाइंड नीचे कर दिया करेंगे तो बजरंगबली यहीं पे बैठे रहेंगे द्वार पे। तो बजरंगबली वैसे भी रक्षक हैं एंड द्वार की रक्षा करते हैं प्रभु श्री राम माता रानी की। तो बजरंग बली का ही सबसे बढ़िया आइडिया है। ओम राम रामाय नमः, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बस सुबह जब पूजा करते टाइम इसको ओपन कर दिया करेंगे, दिन भर ओपन ही रहेगा। बस रात को आपको प्रभु के दर्शन करने हैं तो पहले बजरंग बली के दर्शन करने पड़ेंगे। हाँ। बजरंग बली से इजाजत लेनी पड़ेगी और उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा ताकि द्वार ओपन हो जाए। जब तक आप जय श्री राम नहीं बोलेंगे तब तक ये द्वार ओपन नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय राजा। उसको देख के तो ये अंदर भी ऐसे छुप गया, ये दिख भी नहीं रहा है एंड ये ऐसा रहेगा। मुझे तो
ये आइडिया मैंने कब से सोच के रखा था कि मैं मंदिर में ऐसा ब्लाइंड बनाऊंगी। नॉर्मली प्लेन भी लोग बनाते हैं, मैडम उनका नहीं, प्रिंट करा के बजरंग बली का फोटो लगाना है उसमें। चलो अब अच्छा लगा, अब वो कर दो। हाँ, जब लाइट ऑन होता है ना तो मतलब इतना वो नहीं होता है, क्या बोलो, दिखता है, बट लाइट ऑफ करने के बाद इसका जो इस ब्लाइंड का ग्लेज ज्यादा आ रहा है। अगर मैं खाली ये वाला ऑफ करूं? नहीं, खाली वो लाइट। हाँ, नहीं मंदिर का तो बंद करो। नहीं मैं, हाँ ये ऐसे दिख रहा है लाइट ऑन करने पे थोड़ा सा, क्योंकि हमने ब्लाइंड वैसा ही बनाया है थोड़ा सा। चले जी, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय माता दी। मेरा बहुत मन था कि पीछे का बैकग्राउंड जो है वो ओम की जगह पे मैं बजरंग बली का बनाऊं या माता रानी का बनाऊं। वो बढ़िया हो तो बजरंग बली खुद ही आकर। हाँ, बट वो फिर पता नहीं अच्छे से बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। फिर हमने जो बेसिक सब लोग बनाते हैं ओम डिजाइन का पीछे का, हमने वो बना दिया। तो बट ये इच्छा मैंने यहाँ पे पूरी कर ली कि वज्रमला जैसे ही नॉर्मली जब ऐसे ही रहेंगे तो कोई एंटर करता है घर में तो पहले बजरंग बली से लग रहा है ना, फोटो फ्रेम लगा है बड़ा सा, है ना। जय माता, अयोध्या में जाके श्री राम के। अयोध्या जाना है आपको? अयोध्या बुलाएं, अब बुलावा आएगा तो जाएंगे। बुलावा आएगा, हम जबरदस्ती करेंगे, पुश करेंगे बाबा को तो बाबा बुलाएंगे। चलो अब ये गाइस, फाइनली फोटो फ्रेम्स लग गए। बहुत दिनों से सोच रही थी ये फोटो वॉल बनाऊंगी, फ्रेम भी कब से लाके रखा था, तो लास्ट वीक प्रिंटआउट लिया एंड अभी लगा दिया है। अच्छा लग रहा है ये गोल्डन फ्रेम, हम लोग होम सेंटर से लेके आए। मैं सोच रही हूँ एक्स्ट्रा लाके कुछ रख दूँ, अगर कभी और ज़्यादा लगाना होगा ना एटलीस्ट सेम फ्रेम रहेगा ना तो अच्छा लगेगा। तो यही कुछ हाथ मेमोरीज, ये पूरा फैमिली फ़ोटो, पापा मम्मी है, मम्मी भी है, सिम्बा बेबो भी है, हनी बनी के कुछ आद, ये केक स्मैश के फोटोग्राफ, छोटे छोटे फोटोज ऐसे ही, ये हमारे हनीमून के फोटो, तो वही है, वही सब लगा दिया है। एंड इसमें ना फोटोज मैं सोच रही हूँ एक्स्ट्रा प्रिंटआउट्स लेके ना रखूँगी, बीच बीच में 2-3 महीने में चेंज कर दिया करूँगी, तो हमारी मेमोरीज भी रिफ्रेश हो जाएंगी एंड थोड़ा सा चेंज भी होगा, अच्छा अच्छा लगेगा। एंड मंदिर का जो हमने ब्लाइंड लगाया था वो तो आपने सुबह देख लिया था। एंड हाँ, यहाँ पे हमने कर्टन्स लगाए हैं, ये ब्लाइंड जहाँ पे बनवाया ना वहाँ पे मुझे ये ब्लैकआउट कर्टन्स दिखे, हमारे बिल्कुल सोफे के कलर के साथ में मैच हो रहे थे। मुझे एक्चुअली यहाँ पे शेयर कर्टन ही लगाना था, अच्छी लाइट आती है, बट अभी जो इतनी गर्मी बढ़ गई है ना तो दोपहर के जो 3-4 घंटे हैं ना उसमें अगर ब्लैकआउट कर्टन्स नहीं लगाते हैं ना, मतलब एसी बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होता है, मतलब 19-20 में रखना पड़ता है ठंडा होने के लिए। पहले जैसे नॉर्मली हम लोग 24 में रखते हैं एसी, तो एटलीस्ट ब्लैकआउट कर्टन्स लगाने से मतलब वो जो धूप इतनी आती है 3-4 घंटे दोपहर के वो इतनी नहीं आएगी एंड एसी थोड़ा सा इफेक्टिव होगा। तो ये वाले बस 2 पीस ही मैंने लिए हैं, बस ऐसे ही साइड में रखूँगी, दोपहर को ही बस मैं लगा दिया करूँगी। एंड हाँ, और मैंने ऑर्डर किए हैं कुशन्स, जैसे फेस्टिव सीजन्स के लिए थोड़े से कलरफुल कुशन्स डालते हैं, तो जैसे मैंने कुशन्स मंगवाए हैं वैसे ही मैंने
कर्टन्स भी मंगवाए सेम कलर के, जिस कलर के मैंने से येलो कलर के कुशन्स मंगवाए हैं तो उसके साथ में येलो कलर के कर्टन्स, तो इसी टाइप का मतलब फेस्टिवल्स वगैरह में दिवाली वगैरह के लिए डालने के लिए लगाने के लिए। तो कर्टन्स मैंने रॉड वाला इसीलिए लगाया था ताकि मैं कर्टन्स जो है वो चेंज कर पाऊँ। बाकी वो जो दूसरा वाला हमारा लगा था कंटिन्यूसली 4 साल लगा रहा, क्योंकि वो इतना बना नहीं सकते, इतना आपको कपड़ा लेके सिलवाना पड़ेगा, बहुत एक्सपेंसिव भी आता है। ये वाले क्या आईरिंग वाले कर्टन हर जगह पे मिल जाते हैं, रेडीमेड मिल जाते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि इस बार मैं ये रॉड वाला लगाऊंगी ताकि मैं फेस्टिव सीजन वगैरह में जैसे कुशन कवर वगैरह चेंज करते हैं उसी टाइप का ये भी चेंज कर लिया करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये हो गया है अभी घर ऑलमोस्ट सेट, बस यहाँ पे जो मिरर है वो ऑर्डर कर दिया है, वो कल आएगा डिलीवर होगा, तो यहाँ पे एक फुल लेंथ मिरर लग जाएगा क्योंकि घर पे फुल लेंथ मिरर एक भी नहीं है, तो यहाँ पे एक मिरर रहेगा ना फुल लेंथ, तो इसका रिफ्लेक्शन भी इसमें आएगा एंड अच्छा लगेगा। मिरर लगता है तो घर थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी लगता है। तो ये हो गया फाइनली डन।